क्या है कि मेंस फिजिक लोग सोचते हैं कि ओनली पोजिंग का गेम है, बट इट्स नॉट अ पोजिंग गेम। आपका तब साथ देते हैं जब आप खुद का साथ देते हो। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ये दिखाना क्या चीज है भाई? खर्च पे भाई, प्रमोशन हो गया, बाल सेट करना भाई, बाल सेट हो गए भाई, दिखा दो एक बार भाई। क्या क्या हाल है अभिषेक भाई? बहुत बढ़िया। आज क्या खेल रहे भाई? मेंस फिजिक बिलो 73 भाई का पोजिंग करके दिखा दो भाई। हम सब मिलके करा रहे हैं, राहुल है12 साल पहले आज से 12 साल पहले कंटिन्यू कर रहे भाई, 12 साल से कंटिन्यू भाई। एनपीसी का आज कंपटीशन है, क्या उम्मीद है भाई? मोस्ट प्रोबेबली नंबर वन आने की उम्मीद है, बिकॉज मुझे शेरू क्लासिक में कम्पीट करना है। अच्छा। जो अभी आप जून में आ रहा है ना दिल्ली के अंदर, उसमें सो काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बट अब एक्शन में लेके आऊँ इस चीज़ को भाई। स्प्रे व्रे काम करते हैं स्टेज? बिल्कुल करते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेंस फिजिक लोग सोचते हैं कि ओनली पोजिंग का गेम है, बट इट्स नॉट अ पोजिंग गेम। ये आपकी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो स्टेज के ऊपर, हाउ योर लुक, हाउ योर बॉडी लुक, मतलब आप कैसे जा रहे हो, आपकी प्रॉपर पूरी पर्सनैलिटी, तो सब कुछ देखा जाता है। और अच्छी पर्सनैलिटी? यस बिल्कुल 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 भाई। नमक मैं अभी देख रहा था, आपने नमक लिया था, नमक क्यों लिया भाई इस वक्त? नमक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्या है कि नमक है ना अराउंड 18 आवर्स या 20 आवर्स हो गए हैं, तो नमक मैंने इंटेक किया नहीं है। अच्छा। बिकॉज रीज़न है उसका, क्योंकि थोड़ा सा वाटर कट करना पड़ता है ताकि वाटर ना पकड़े बॉडी। अच्छा। इस वजह से अब इसलिए लोड किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा मसल के अंदर सोडियम फ्लो करे बॉडी में। पोटेशियम तो ले रहे थे बट मिनरल्स का फ्लो बना रहे, बैलेंस बना रहे इस वजह से, और बॉडी थोड़ी पॉप हो जाए जल्दी से, मसल थोड़ी राउंड हो जाए। करके दिखा दो भाई ये पॉप, देखो मैं अभी दिखा दो, ये भाई रिलैक्स खड़े हैं, ये रिलैक्स खड़े भाई, एक बार पॉप करना जरा, कैसे पॉप होती है भाई, पेट कहाँ लगी? अभिषेक भाई तुम्हें कुछ ना कुछ मिला ही हुआ है, ये लो भाई देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अभिषेक भाई कोच भी है सर। भाई कहाँ से आए हो भाई आप? वैसे गुड़गांव। गुड़गांव से भाई, गुड़गांव में ये सब कुछ सिखाते हैं? एक्चुअली वैसे बिलोंग करता हूँ बसई गांव से। बसई गांव से? यस भाई। हाँ मैं विलेजर बॉय। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस चीज को देखते? फैमिली का रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है, स्टार्टिंग में फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करती, बट आपके अंदर गट्स होने चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके अंदर गट्स है, जो भी टेक्निक्स है, वो दुनिया के सामने शो करनी चाहिए, उसको छुपा के नहीं रखना चाहिए। बिकॉज लोग भी आपका तब साथ देते हैं जब आप खुद का साथ देते हो। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। सो सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसमें स्टेरॉइड यूज करते हैं 100%, क्योंकि एथलीट मैंने सुने हैं ऑन कैमरा और अच्छे यूट्यूबर्स मैंने सुने कि हम नेचुरल हैं। अच्छा, कितना नेचुरल होता है भाई? क्या नेचुरल में ऐसी फिजिक पा सकते हैं? नेचुरल में फिजिक पा सकते हो? मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं नेचुरल खड़ा हूँ, ये नेचुरल है भाई, नॉट ओनली वन सब्सटेंस यूज, कुछ यूज नहीं किया है भाई। कैसे करते हो तुम? एक्सपीरियंस कहाँ काम आएगा? अच्छा, नेचुरल में ऐसा है भाई? ये अभी कल IBBF में कम्पीट करा है इसको, ये नेचुरल है बिल्कुल, 17 साल का लड़का है। एक अभी और अर्नव है प्रहलाद सिंह चौहान, उसको मैंने रेडी किया है, और ये हमारे मैं बड़ा ये छोटा कोच CS। ये भी नेचुरल भाई? ये भी नेचुरल है, अभी तक के लिए नेचुरल है। अभी तक के लिए नेचुरल था? क्या मतलब है ये एक्सप्लेन करो भाई। मैं बताता हूँ अभी तक के लिए क्या है कि अभी ये कम्पीट नहीं कर रहा है, बट अब जो टाइम है, अब जो गेनिंग फेज के बाद ये कम्पीट करेगा, क्या पता है शेरू खेल सकेगा या ये IBBF में मिस्टर इंडिया भी कम्पीट कर सकता है अपनी वेट कैटेगरी में। इसको नेचुरल कम्पीट करा है कल, ओनली 3 मंथ्स मतलब तैयारी के साथ, ओनली 3 मंथ्स। इसके स्ट्रेच मार्क्स देख रहा हूँ, स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रेच मार्क्स का ये है कि जब भी हम अपनी बॉडी को बढ़ाते हैं ना, जब हमारा मसल मास बढ़ता है या हमारी हम लिफ्टिंग करते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। और कोई सब्सटेंस यूज करते हैं? सच बता रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसी सब्सटेंस यूज नहीं करी है, बिकॉज मुझे 4 साल से ऊपर हो गए हैं। लास्ट जो मैंने सब्सटेंस यूज करे 2018 में यूज किए थे शेरू क्लासिक लुधियाना में, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था,
उसके बाद फिर मैंने मुंबई में कंपीट किया था, गोवा में कंपीट किया, मुंबई में आपका डायमंड कप कंपीट किया था, ठीक है, IFBB का, एंड उसके बाद बॉस क्लासिक कंपीट किया था गोवा में, मार गोवा के अंदर, ठीक है ना। तो उस टाइम पे था, बट उसके बाद फिर गैप लिया था 3-4 साल का, उसके बाद उसका कुछ यूज़ नहीं करा, उसके बाद अभी तक कुछ यूज़ नहीं है, बट आगे करूँगा मैं यूज़, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अच्छा, ये क्योंकि मुझे प्रो कार्ड जीतना है भाई, प्रो कार्ड के लिए और उसमें नेचुरल में नहीं बन सकती भाई, नहीं बन सकती, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अपने जाते थे, एक बार इंस्टा आईडी जरूर बताइए भाई। मेरी इंस्टा आईडी है अभिषेक फिटनेस 6216। ये कोई स्पेशल रीजन है 6216 का? एक्चुअली मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।